अगर आपने दिल्ली पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरा था तो आपके पास एक मैसेज आया होगा, टेक्स्ट मैसेज BW- और DOFWHD करके। अगर आप DOFW सर्च करोगे अपने मैसेज में तो भी आपको यह मैसेज मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट प्लीज़ रेफर योर ईमेल फॉर सबमिटिंग सिटी प्रेफरेंस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेटेस्ट बाई 3 मार्च 2020 और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हेल्प डेस्क। ऐसा है जिसके पास ये मैसेज आया है उन्हें अपने ID और पासवर्ड से जो आपके पास फ़ोन पे होंगे, ये मैसेज आने से पहले आपके पास DOFW करोगे तो आपको फ़ोन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जाना है कंप्यूटर सेंटर के पास या फिर खुद जाके आप कर सकते हो एक पोर्टल पे, जहाँ पे मैंने लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा और बाकी एक वेबसाइट है उसकी लिंक मैं दे दूँगा, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। आपको वहाँ पर 3 सेंटर छांटने हैं अपने, मतलब 3 सेंटर छांटने अपने एग्जामिनेशन सेंटर। मैंने पहले भी वीडियो एक बनाई थी लेकिन थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि मैं नोटिस वगैरह उसमें पढ़ के बताया था जैसे दे रखा था, अब ये सबको पता चल ही गया है। तो उसमें आपको करना ऐसा है, आपको अपनी ID पासवर्ड से अपना फॉर्म खोलना है। एक बार मैं दिखा दूँ आपको खोल के, तो मैं इस वीडियो की इसकी लिंक दूंगा इस वेबसाइट की। यहाँ पर जाके आपको आज की तारीख पर क्लिक करना है, आज की जो भी तारीख है वो ऊपर आ जाएगी यहाँ पर। अगर आप इस वीडियो को कल देखोगे तो 1 तारीख आ जाएगी, 1 मार्च लिखा हुआ। इस वीडियो में सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे लिख रहा है देखो, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट प्रेफरेंस और ये चूज़ सेंटर्स बाय 3 मार्च। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ID और पासवर्ड देना पड़ेगा। मैंने किसी की भर रखी है ये, इसे ही लॉगिन करके देखते हैं। ये हमने करा इसे लॉगिन, तो ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये उसकी हो सकती है फॉरेस्ट रेंजर की। तो मैं एक ID पासवर्ड इसमें भर के दिखाता हूँ आपको। तो ये ID पासवर्ड डाल के मैंने करा लॉगिन यहाँ पे। सबसे पहले लॉगिन करते ही हमें ये मैसेज दिखेगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट है, पेमेंट आपकी डन है। हमने करा इसे क्लोज, लेफ्ट साइड में राइट साइड में आ रहा है सेंटर चॉइस डिटेल, इस पर हमने क्लिक करा। यहाँ पे जाने के बाद हमें करना है क्लिक हियर टू फिल सेंटर चॉइस, यहाँ पे जो प्लस का निशान ऊपर आ रहा है। लेकिन ये जिसका फॉर्म है उस लड़के ने ये 8 बार भर दिए हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको इस सेंटर चॉइस बस 3 भरने हैं, मतलब 1 बार भरना है। देखो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसा आएगा। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपसे ये लोड होने के बाद ये पूछेगा कि कौन कौन से आपको सेंटर चाहिए अपने पास। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप इसे नहीं भरते हो या आपको बाद में पता चलता है लास्ट डेट के, तो ऐसा नहीं है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आपका आएगा। देखो सेंटर चॉइस फर्स्ट हमने डाली इसमें, यहाँ पे हमने डाली जैसे अलीगढ़ हो गया पहले नंबर पे, दूसरी चॉइस हो गई हमारी आगरा, ये आगरा आ गया AGRA, ये आगरा हो गया दूसरे पे, तीसरा हो गया हमारा गाज़ियाबाद GHAZ, तो गाज़ियाबाद इसमें नहीं है। तो हम करेंगे यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली एरा, दिल्ली NCR। तो हमारे 3 प्रेफरेंस हो गई। देखो ऐसा आपके आप जब इस पर क्लिक करोगे ऊपर तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा, आपका डिटेल आ जाएगी दिल्ली आगरा और सॉरी अलीगढ़ आगरा और दिल्ली NCR। आपको यहाँ पे करना है एग्री और सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आपको क्लोज करना है। लिखा हुआ जब आ जाएगा ऊपर कि आपका सबमिट हो चुका है, तो इस लड़के ने ये 8 बार कर दिया है। अभी मेरे पास इसका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हो गया मेरा 8 बार, तो ऐसे नहीं कि रिजेक्ट हो जाएगा इसका। लेकिन अब ये बताओ कंप्यूटर ये देखेगा कि किसे कौन सा इसे प्रेफर करना है तो कैसे करेगा। सबसे पहला है इसका अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ में ही जो सबसे पहला इसका टिकट जनरेटेड है उस पर फोकस करेगा वो, बाकी के पे फोकस नहीं करने का। तो सबसे पहला है नीचे वाला, तो 68,623, ठीक है। इसने एकदम फिर करा टिकट जनरेट, तो 68,681, ये उसने एक ही दिन में 4 टिकट करे। उसके बाद यहाँ तक आ गए, मतलब जब आप करोगे ये सीरियल है कितने जनों ने उसे कर दिया, ठीक है। तो इसका आगरा जाने के चांस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद दिल्ली और फिर अलीगढ़। और पे वो ध्यान नहीं देने का, इन पे जितने भी इसने ऊपर भरे हुए हैं ये सारे इग्नोर कर देगा, बाकी फिर अपने हिसाब से देगा। और आपको नुकसान इतना होगा बस इसे भरने का, इसे ना भरने का नुकसान आपको इतना झेलना पड़ेगा कि वो अपने हिसाब से सेंटर देंगे इसे, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं, अब इसके रिगार्डिंग मुझसे कुछ पूछना तो कमेंट में मुझसे पूछना।